हेलो दोस्तों, आपके मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हुए आईपीएल के फाइनल मुकाबला जो कि दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया। दोस्तों, ये मैच बड़ा ही अच्छा रहा। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतते हुए पहले बल्लेबाजी की और 156 रन बनाए 7 विकेट खोकर 20 ओवरों में, और मुंबई इंडियंस ने ये स्कोर 157 रन 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया और ये मैच 5 विकेटों से अपने नाम कर लिया और आईपीएल की ट्रॉफी भी अपने पास ही रखी। मतलब जो पिछली टीम की विजेता थी, पिछले जो आईपीएल की विजेता थी, वही मुंबई इंडियंस इस बार भी आईपीएल की विजेता टीम बन गई। और इसी के साथ मुंबई इंडियंस पूरे 5वीं बार आईपीएल की विजेता टीम बनी है। दोस्तों, आज का जो मैच था वो सेकंड इनिंग्स मतलब मुंबई इंडियन की इनिंग्स में एक तरफा ही रहा। मुंबई इंडियंस शुरू से एंड तक अच्छा ही खेली। दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आज के मैच में क्या क्या हुआ। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की टीम जब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने पिच पर उतरी तो उनकी जो शुरुआत थी और शुरुआत के 3 विकेट थे वो काफ़ी जल्दी गिर गए, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स थोड़ी डगमगा गई और जिसमें धवन का विकेट भी था। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स का पहला विकेट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कोर 0 रन और पहली ही गेंद पर गिर गया, जो कि स्टोइनस के रूप में था। स्टोइनस पहली ही गेंद पर आउट हो गए और उनका विकेट बोल्ट ने लिया। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का दूसरा विकेट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कोर 16 रन पर गिरा, जो कि रहाणे के रूप में था। रहाणे ने आउट होने से पहले 4 गेंदों पर 2 रन बनाए और वो बोल्ट की गेंद पर आउट हुए। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का तीसरा विकेट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कोर 22 रन पर गिरा, जो कि धवन के रूप में था। दोस्तों, शिखर धवन जो पिछले जो सेमीफाइनल कह सकते हैं उस मैच को, या क्वालिफायर या जो भी मैच कह सकते हैं, एलिमिनेटर, उस मैच के हीरो थे, वो आज जल्दी ही आउट हो गए। उन्होंने 13 गेंदों पर 15 रन बनाए 3 चौकों की मदद से और उन्हें जयंत यादव ने बोल्ड किया। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम थोड़ी डगमगा जरूर गई, लेकिन उसके बाद चौथे विकेट के लिए एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं हुई कि दिल्ली कैपिटल्स को ऐसे स्कोर तक ले जाती जिसमें जीत निश्चित होती। दिल्ली कैपिटल्स का चौथा विकेट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कोर 118 रन पर गिरा, जो कि पंत के रूप में था। पंत ने आउट होने से पहले 38 गेंदों पर शानदार और तूफानी हाफ सेंचुरी बनाई, जिसमें 56 रन बनाए उन्होंने 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से, और कोल्टर नाइल की गेंद पर वो आउट हुए। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का 5वां विकेट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कोर 137 रन पर गिरा, जो कि हेटमायर के रूप में था। दोस्तों, हेटमायर ने आउट होने से पहले 5 गेंदों पर 5 रन बनाए 1 चौके की मदद से और इनका विकेट भी बोल्ट ने लिया। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का 6वां विकेट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कोर 149 रन पर गिरा अक्षर के रूप में। अक्षर ने आउट होने से पहले 9 गेंदों पर 9 रन बनाए 1 चौके की मदद से और इनका विकेट कोल्टर नाइल ने लिया। उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स का 7वां विकेट दिल्ली कैपिटल्स के कुल स्कोर 156 रन पर गिरा, जो कि रबाड़ा के रूप में था। रबाड़ा बिना कोई गेंद खेले और बिना कोई रन बनाए रन आउट हुए। दोस्तों, इन्हें कोल्टर नाइल और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर आउट किया था। दोस्तों, इस प्रकार दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से जो नॉट आउट रहे वो थे सीरियस अय्यर, मतलब कप्तान। लास्ट तक एक अहम और सबसे अच्छी पारी खेली कप्तान सीरियस अय्यर ने। सीरियस अय्यर ने 50 गेंदों पर नॉट आउट रहते हुए शानदार 65 रन बनाए 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से, लेकिन वो भी अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकामयाब रहे। दोस्तों, इस प्रकार दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट खोकर 156 रन बनाए और मुंबई इंडियंस के सामने 157 रनों का टारगेट रखा। दोस्तों, ये टारगेट इतना भी कम नहीं है कि हार ही निश्चित है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है कि जीत ही निश्चित है। ये एक एवरेज टारगेट था, जो कि फाइनल के हिसाब से तो कम ही था। दोस्तों, आज मुंबई इंडियंस की जो बॉलिंग थी वो अच्छी रही। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के ऊपर प्रेशर बनाए रखा, शुरुआती 3 झटके भी जल्दी दे दिए, उसके बाद भी रन रेट के हिसाब से भी प्रेशर बनाए रखा। दिल्ली कैपिटल्स जो बॉलिंग, जो मुंबई इंडियंस की बॉलिंग थी, उसमें बोल्ट ने 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट लिए, सबसे अच्छी गेंदबाजी कराई।
बुमराह ने 4 ओवर में 28 रन देकर 0 विकेट, जयंत यादव ने 4 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट, कोल्टर नाइल ने 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट, कृणाल पांड्या ने 3 ओवर में 30 रन देकर 0 विकेट, पोलार्ड ने 1 ओवर में 13 रन देकर 0 विकेट। इस प्रकार दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस के सामने 157 रनों का टारगेट रखा। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम जब 157 रनों का टारगेट लेकर पिच पर उतरी तो उन्होंने शुरू से ही मनसा जाहिर कर दी कि वो ये ट्रॉफी पांचवी बार किसी भी हाल में लेकर ही जाएंगे। दोस्तों, मुंबई इंडियंस का पहला विकेट मुंबई इंडियंस के कुल स्कोर 45 रन पर गिरा, जो कि डिकॉक के रूप में था। डिकॉक ने आउट होने से पहले 12 गेंदों पर 20 रन बनाए, 3 चौके और 1 छक्के की मदद से, और इनका विकेट स्टोइनिस ने लिया। उसके बाद मुंबई इंडियंस का दूसरा विकेट मुंबई इंडियंस के 90 रन पर गिरा, जो कि सूर्य कुमार यादव के रूप में था। सूर्य कुमार यादव ने आउट होने से पहले 20 गेंदों पर 19 रन बनाए, 1 चौके और 1 छक्के की मदद से, और ये रन आउट हुए। उसके बाद मुंबई इंडियंस का तीसरा विकेट मुंबई इंडियंस के कुल स्कोर 137 रन पर गिरा रोहित शर्मा के रूप में। रोहित शर्मा ने कप्तानी वाली पारी खेली, दोनों ही कप्तान, चाहे वो दिल्ली कैपिटल्स का हो या मुंबई इंडियंस का, दोनों ही कप्तान इस मैच में चले। रोहित शर्मा ने आउट होने से पहले 51 गेंदों पर शानदार अर्धशतकीय पारी खेली 68 रनों की, जिसमें 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे, और इनका विकेट नोटजे ने लिया। इस टाइम तक मुंबई इंडियंस की काफ़ी हद तक जीत निश्चित हो गई थी। उसके बाद मुंबई इंडियंस का चौथा विकेट मुंबई इंडियंस के कुल स्कोर 147 रन पर गिरा पोलार्ड के रूप में। पोलार्ड ने आउट होने से पहले 4 गेंदों पर 9 रन बनाए 2 चौकों की मदद से, और इन्हें रबाड़ा ने बोल्ड किया। उसके बाद मुंबई इंडियंस का पांचवा विकेट मुंबई इंडियंस के कुल स्कोर 156 रन पर गिरा हार्दिक पांड्या के रूप में। हार्दिक पांड्या ने आउट होने से पहले 5 गेंदों पर 3 रन बनाए बिना कोई चौके छक्के के, और इनका विकेट नोटिस ने लिया। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की तरफ से ईशान किशन 19 गेंदों पर तूफानी 33 रन बनाकर लास्ट तक नॉट आउट रहे। उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया, और कृणाल पांड्या 1 गेंद पर 1 रन बनाकर लास्ट तक नॉट आउट रहे, और मुंबई इंडियंस ने केवल 18.4 ओवर में 5 विकेट खोकर 157 रन बना लिए, और ये मैच 5 विकेटों से जीत लिया, और ये आईपीएल की ट्रॉफी भी पांचवीं बार अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली कैपिटल्स की आज बॉलिंग में कोई दमखम नहीं था, उन्होंने एक टाइम पर भी मुंबई इंडियंस के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से रविचंद्र अश्विन ने 4 ओवर में 28 रन देकर 0 विकेट लिए। रबाड़ा ने 3 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट। अनरिच नोटेजे ने 2.4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट। मार्कस स्टोइनिस ने 2 ओवर में 23 रन देकर 1 विकेट। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 16 रन देकर 0 विकेट। प्रवीण दुबे ने 3 ओवर में 29 रन देकर 0 विकेट। दोस्तों, इस प्रकार मुंबई इंडियंस ने पांचवीं बार आईपीएल के खिताब पर कब्जा कर लिया। आज का मैच 5 विकेटों से जीत के। दोस्तों, आज के मैच में दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग में तो एक टाइम लग रहा था शायद वो संघर्ष देगी, लेकिन जब मुंबई इंडियंस की बैटिंग आई तो उस टाइम एक तरफा ही मैच हो गया था। मुंबई इंडियंस ने स्टार्टिंग से ही अच्छा खेला दोस्तों, काफ़ी अच्छा खेला। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और आप मुंबई इंडियंस के फ़ैन हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अगर आप आज के किस प्लेयर को मैन ऑफ द मैच देना चाहेंगे उसका नाम ज़रूर लिखें। और दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की आज कहां कमी रह गई कि वो पहली बार फाइनल में पहुंचने के बावजूद भी हार गई। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कॉन्ग्रेचुलेशन मुंबई इंडियंस के फैंस सभी को, जो भी मुंबई इंडियंस का फ़ैन है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम डिज़र्व भी करती है और वो ये मैच जीती भी दोस्तों, और आईपीएल का खिताब भी पांचवीं बार अपने नाम कर लिया दोस्तों। और अगर आप इसी के साथ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।